प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे जीवन में जड़ का, चेतन का, दुनिया की हर चीज का प्रभाव पड़ता है और पशु पक्षियों का प्रभाव, वृक्षों का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पशु पक्षियों का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है और उनके संपर्क से हम अपने भाग्य को बेहतर कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पशु पक्षियों से हमारे जीवन का और हमारे भाग्य का क्या संबंध है। देखिए, सृष्टि की हर चीज ईश्वर से संबंध रखती है, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, पशु हो, पक्षी हो या वृक्ष हो। इसीलिए हर चीज का हमारे जीवन से भी गहरा संबंध है। हमारे आसपास की चीजें, वस्तुएं और लोग हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इनके गड़बड़ होने पर या इनके साथ सही व्यवहार न करने पर भाग्य का चक्र बिगड़ जाता है। इसीलिए समाज और जीवन की हर चीज के साथ संबंध बेहतर रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप मानव के साथ संबंध बेहतर रखते हैं, पशु पक्षियों को प्रताड़ित करते हैं, तो ये स्थिति नहीं चल पाएगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इस बीच जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, करियर में आपके कुछ बदलाव होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान निश्चित रूप से बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक रूप से मजबूती आएगी और काम का बोझ थोड़ा सा आपको इस समय परेशान कर सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि पशु पक्षियों से हमारा क्या संबंध है। पशु पक्षी समाज में मानवों से नीचे हैं, समाज के निचले पायदान पर हैं, इसीलिए वो शनि से संबंध रखते हैं। पशु पक्षी हमारी समस्याओं को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इनके संपर्क से स्वास्थ्य और धन के मामलों पर सीधा असर पड़ता है और पशु पक्षियों की सेवा और देखभाल करने से मानसिक बीमारियां दूर होती हैं, साथ ही साथ कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है और धन की स्थिति में सुधार होता है। पशु पक्षियों पर हमारी चर्चा चलती रहेगी लेकिन अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मित्र की सहायता से आपको लाभ होगा, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम अपने जरूर निपटा लीजिए और अपने स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, बाधाएं आपकी समाप्त होंगी
वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब ये जानते हैं कि किस तरह से पशु हमारे जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप पशुओं की सहायता करते हैं, गाय की, भैंस की, कुत्ते की, तो शनि की पीड़ा कम होती है और जीवन का संघर्ष घट जाता है। खास तौर से कुत्तों की देखभाल करने से, उनकी सेवा सहायता करने से आकस्मिक दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। पशुओं को अगर आप चारा देते हैं, खाना खिलाते हैं, तो जीवन में अन्न जल का अभाव नहीं होता है। और अगर आप रोगी पशुओं की देखभाल करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है, बड़ी बीमारी होने से आप बच जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। तुला राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, नए काम के अवसर मिलेंगे, परिवार में खुशहाली आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, करियर में नई शुरुआत हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। धनु राशि, इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, अनावश्यक तनाव इस समय मत पालिए, किसी मित्र का सहयोग इस समय आपके लिए लाभकारी होगा। काली वस्तुओं का दान करें, काली उड़द की दाल, काले चने, अगर आप इनका दान करें तो दिन की मुश्किलें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि पक्षी हमारे जीवन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। देखिए, पक्षियों को अगर आप दाना डालते हैं तो राहु की पीड़ा, राहु की समस्या कम होती है और इससे जीवन के उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। पक्षियों को पिंजरे से अगर छुड़ाते हैं आप, हर शनिवार को कम से कम ऐसा करें, तो कर्ज और मुकदमे से राहत मिलती है और घर की कलह से छुटकारा मिलता है। पक्षियों के साथ एक बात आप समझिए कि अगर एक तरफ आप नॉनवेज का सेवन करते हैं और दूसरी तरफ पक्षियों के या पशुओं के प्रयोग से लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसा लाभ आपको नहीं होगा। एक तरफ पशुओं को चारा और दूसरी तरफ नॉनवेज भोजन, ये आपको पशु पक्षियों से लाभ नहीं होने देगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, सेहत में आपके सुधार होगा, करियर में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में आपको लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, करियर में नए अवसर इस समय आपको मिल सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए आज का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं क्या है आज का उपाय। आज प्रातः काल सुबह के समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़िएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा की प्रार्थना करिएगा,
दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।